हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल GNM नर्सिंग गर्ल्स में। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का जो हमारा क्लास होने जा रहा है डियर, तो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो कि हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म होंगे, जो कि नर्सिंग एग्जाम में ये सारे फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो डियर, चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म होंगे। और ये सारे फुल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और नर्सिंग एग्जाम के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये सारे फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, जो कि एक नॉर्मल सबको याद होना चाहिए और ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर। ओके, तो डियर फर्स्ट है आपका ORS। तो ORS का फुल फॉर्म तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट को पता होगा, है ना? तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो आप लोग देख सकते हो ORS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डियर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ORT। तो ORT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। नेक्स्ट है PSC। तो PSC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और डियर और भी अगर मैं बता दूँ, CSC है ना, एक होता है CSC। तो CSC का फुल फॉर्म क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक होता है सब सेंटर, है ना, एक सब सेंटर होता है, तो ये आप सभी को तो पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते अब हम लोग, है ना। तो PSC हम लोग क्या देखे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया आपका। नेक्स्ट है PEM। तो PEM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट है NGO। NGO का फुल फॉर्म क्या होगा डियर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो NGO का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है KMC। KMC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट है KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप सभी को इतना सारा फुल फॉर्म आई होप अब तक समझ में एंड याद भी हो गया होगा। बहुत इजी है, दो चार बार पढ़ेंगे, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा तो याद हो जाएगा जल्दी। तो एक बार ऑल रिकॉल कर लेते हैं, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और मैंने क्या बताया था, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आप लोग नोट कर लीजिए। एक होता है सब सेंटर। नेक्स्ट है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है KMC, है ना, कंगारू मदर केयर। KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। तो है ना, तो इतना सारा हम लोग फुल फॉर्म देखे, और चलिए और देखते हैं, बहुत सारा है। तो डियर नेक्स्ट है IUCD। तो IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, तो नेक्स्ट है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट है GNM। तो GNM का फुल फॉर्म सबको पता होगा, बहुत इजी है, क्या है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। नेक्स्ट है आपका MCH,
मीन सेल हीमोग्लोबिन, MMR, मिजल्स मम्स रूबेला, ओके। तो नेक्स्ट है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका आयुष, तो आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डियर आप लोग नोट करते जाइएगा, इससे क्या होगा आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए एक बार और जल्दी से इसे रिकॉल कर लेते हैं। IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ICDS, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। NM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, है ना। MCH, मीन सेल हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है MMR, ओके, मिजल्स मम्स रूबेला। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका आयुष, तो आयुष का क्या हो जाएगा डियर? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डियर नेक्स्ट आपका है कि इंजेक्शन से रिलेटेड फुल फॉर्म है, जैसे कि IM, तो IM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा मस्कुलर। IM इंजेक्शन जो है हम लोग देते हैं, तो कितने डिग्री एंगल पे देते हैं ये आप सभी को कमेंट में बताना है। तो IM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंट्रा मस्कुलर, है ना। नेक्स्ट है IV, इंट्रावेनस, जो कि हम लोग वेन में देते हैं। ये IM कहाँ देते हैं? तो ये मसल्स में देते हैं IM, और IV इंट्रावेनस ये हम लोग वेन में देते हैं इंजेक्शन। तो IV का फुल फॉर्म इंट्रावेनस हो जाएगा। आपको IM, IV, ये और ID और CS सारे की एंगल आप सभी को कमेंट में बताना है कि हम लोग IM, IV, ID, है ना, ये सारे इंजेक्शन जो देते हैं कितने डिग्री एंगल पे देते हैं, तो आप लोग को कमेंट में बताना। ये सभी के लिए HW है, तो प्लीज़ आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट है, तो आई होप ये सब एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो बस एक छोटा सा है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में IM, IV, ID और ऐसे का आप सभी को कमेंट में बताना है कि ये सारे इंजेक्शन जो है कितने डिग्री एंगल पर दिया जाता है। ओनली फॉर एंगल आप सभी को कमेंट करना है, ओके। नेक्स्ट है, तो हम लोग क्या देखें? IM का फुल फॉर्म इंट्रामस्कुलर, IV का इंट्रावेनस, है ना, ID का इंट्रा डर्मल हो जाएगा, और SC का, एक मिनट, SC का क्या हो जाएगा? सबक्यूटेनियस, है ना। तो ये इंजेक्शन से भी क्वेश्चन रहते हैं, ये इनका फुल फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के एंगल तो आप सभी को कमेंट में जरूर करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ईयर आप सभी का फुल फॉर्म CPR, तो CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ही इजी है ना, तो सभी को पता होगा, तो CPR, है ना। तो CPR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ओके। तो डियर आप सभी को मैंने एक होमवर्क दिया कि IM, ID, SE, ID का जो इंजेक्शन है ये कितने डिग्री एंगल पर रहता है, तो इनका ये आप सभी को एंगल कमेंट में करना है। एंड आप सभी को एक और होमवर्क दे रही हूँ मैं, CPR जो हम लोग देते हैं, तो CPR जब किसी पेशेंट को देते हैं तो उसका जो कंट्राइंडिकेशन क्या होता है CPR देने से, है ना, वो आप सभी को कमेंट में करना है। आई होप कि आप सभी को ही कमेंट करेंगे, ओके। तो देखते हम लोग क्लास। तो CPR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। नेक्स्ट है CSSM, चाइल्ड सर्वाइवलेंस एंड सेफ मदरहुड। नेक्स्ट ईयर आपका CBC, CBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट है IPR, IPR क्या हो जाएगा डियर? इसका फुल फॉर्म इंटरपर्सनल रिलेशन,
नेक्स्ट है IFA, आयरन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है RBC, तो RBC का फुल फॉर्म क्या होता है सभी को पता है, रेड ब्लड सेल। WBC, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल। तो डियर आज का जो भी जितने सारे फुल फॉर्म थे वो सारे आई होप कि आप सभी को सारे पहले से आई होप कि पता होगा अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं तो, है ना, क्योंकि जो भी मैंने आज फुल फॉर्म का क्लास किया या फिर कराया तो नॉर्मल था, जो कि आप सभी को ऑलरेडी आता होगा। तो बस एक रिवीजन के तौर पर अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में यस कर दीजिएगा, है ना। और मैं इसी तरह से और भी बहुत सारे फुल फॉर्म लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। ओके, तो आज का ये जो फुल फॉर्म का क्लास था आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा एंड आप सभी को बेनिफिट होगी, क्योंकि और ऐसे भी ये जो भी नर्सिंग अगर स्टूडेंट है तो ये सारे नॉर्मल फुल फॉर्म थे, अगर नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।